तो जय श्री राम दोस्तों क्या हाल है आप सभी के वापस से स्वागत है एकदम ब्रांड न्यू वीडियो में तो आज का ये वीडियो थोड़ा सा अलग होने वाला है क्योंकि ये वीडियो ना कि नॉर्मल गेम प्ले वीडियो नहीं होने वाला है ये होने वाला है एक ट्यूटोरियल वीडियो तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो लोग अपने मोबाइल स्क्रीन को आ, अपने पी या लैपटॉप में कास्ट करना चाहते हैं फॉर द परपज ऑफ रिकॉर्डिंग या जो भी तुम करना चाहो ठीक है तो उसके लिए तो इस चीज़ के लिए आज हम लोग यूज़ करने वाले हैं एक बहुत ही शानदार ऐप का एकदम जबरदस्त ऐप है ठीक है काफ़ी लोग जानते होंगे इस ऐप के बारे में काफ़ी लोग नहीं जानते होंगे तो जो लोग नहीं जानते हैं उनके लिए मैं बता दूँ ये ऐप का नाम है डाउ ठीक है ये ऐप मैं पहले ही बता दूँ पेड है ठीक है और अगर पेड नहीं आप यूज़ कर रहे हो तो इसमें एक वाटरमार्क आता है एकदम सेंटर ऑफ द स्क्रीन डाउ लिखा रहता है ठीक है तो उसका भी सॉल्यूशन बताऊंगा कि आप इस ऐप को फ्री में लेजिट वे में बिना किसी क्रैक बिना किसी पैच के कैसे यूज़ कर सकते हैं उसकी भी एक प्रोसेस है थोड़ी सी प्रोसेस है किसी को लग बेस्ड भी है थोड़ा सा अगर तुम्हारा लग अच्छा है तो शायद तुमको फ्री में यूज़ करने मिल जाए वो मैं लास्ट में बताऊँगा लेकिन पहले मैं आपको बता देता हूँ इस ऐप की सारी प्रोसेस सेटअप प्रोसेस और इसका डाउनलोड इंस्टॉलेशन जो भी है तो बिना टाइम वेस्ट किए यार सीधे चलते हैं अपन वीडियो की तरफ को ठीक है एकदम स्क्रीन पर चलते हैं इन थ्री टू वन बूम तो यहाँ पे मैं छोटा सा होके दिख रहा होगा और फिलहाल ये माइक को मैं थोड़ा सा साइड में रख देता हूँ ठीक है थोड़ा आवाज़ शायद कम आ सकती है लेकिन फिर भी चला लेना ठीक है तो यहाँ पे अपने डिस्कॉर्ड स्क्रीन आ चुकी है लेकिन अपने को डिस्कॉर्ड स्क्रीन से मतलब नहीं है सॉरी ओबीएस स्क्रीन से मतलब नहीं है डिस्कॉर्ड क्यों बोल रहा हूँ मैं अपन को जाना है गूगल पे मैं यहाँ पे ब्रेव यूज़ करता हूँ तो आप लोग कोई भी ब्राउजर में जाए वहाँ लिख दें डाव वन और डाव वन डॉट वीडियो अगर की जो साइट है उस पर जाएंगे ठीक है और जैसे ही ये खुल जाए उसके बाद आप लोगों को सिंपली आपका अगर आ, जो भी विंडोज है मैक है या एंड्रॉड टीवी वी एंड्रॉयड टी के लिए भी है मैं बताना भूल गया एंड्रॉड टीवी के लिए भी है ये ऐप तो उसके लिए डाउनलोड कर सकते हैं मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा हुआ है क्लासिक वर्जन जैसे कि आप यहाँ पे मेरे स्क्रीन पे देख सकते हैं ये वाला ये चीज़ जो है मैं डाउनलोड करके रखा हुआ है और इसकी प्राइसिंग की अगर मैं बात करूँ तो ट्रायल वर्जन में जैसे कि आप देख सकते तो ये सारी स्पेसिफिकेशन है ठीक है लेकिन इसका जो वीआईपी वर्जन है वो ऑलमोस्ट टेन डॉलर का मिलता है तो टेन डॉलर और ये एक साल का सर्विस रहता है मतलब एक साल के लिए आपको टेन वीआईपी स्लॉट मिलेगा तो इसमें टेन डॉलर ऑलमोस्ट पकड़ लो आप इंडियन रुपीज़ में अपना अप्रॉक्सीमेटली एट हंड्रेड टू नाइन हंड्रेड मैक्स टू मैक्स थाउजेंड रुपीज़ पर ईयर का ठीक है इसका वो रहता है और जैसे कि आप देख सकते हो मल्टी डिवाइस सपोर्ट इसमें दो ही है इसमें टेन डिवाइसेस तक के का सपोर्ट है और बाकी सब आप इसके स्पेसिफिकेशन पढ़ सकते हो मैंने डाउनलोड कर लिया है आपको भी सेटअप डाउनलोड कर लेना है और जब सेटअप डाउनलोड हो जाए उसको सिंपल इंस्टॉल करना है नेक्स्ट 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 और कुछ नहीं सिंपल इंस्टॉलेशन है जैसे नॉर्मल इंस्टॉलेशन होते हैं मैं इंस्टॉलेशन करके आपको नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि यार इतना तो या सबको आता है यार अगर आप कंप्यूटर चला रहे हो स्क्रीन मेरा करना चाह रहे हो तो इंस्टॉलेशन तो आपको आएगा ही ठीक है तो अपन सीधे चलते हैं अपन यहाँ पे जाने वाले हैं सबसे पहले डाउन का ऐप ओपन करेंगे मैंने रन एस एडमिनिस्ट्रेटर करके रखा हुआ है इसको ठीक है डाउन का ऐप ओपन किया इसमें आपने को स्टार्टिंग में इंटरफेस में चार ऑप्शन देखने को मिल रही है एक आई की मिररिंग एक है एंड्रॉइड की मिररिंग एक वायरलेस है एक वायर्ड है तो फिलहाल मैं आपको सबसे पहली जो मिररिंग है वो करके दिखाने वाला हूँ आई की एस ये केबल क्यों मिल गया आई की वायरलेस मिररिंग ठीक है तो मेरे पास ये आईफोन थर्टीन प्रो है तो इसमें मैं आपको करके दिखाऊंगा तो सबसे पहले आपको क्या जाने का है यहाँ पे डाउवन के ऐप में आई मिररिंग पे आई वायरलेस मिररिंग पे पेस्ट करना है ठीक है उसके बाद का जो सीन है वो मैं आपको बताने वाला हूँ अपने इस फोन में तो सबसे पहले अपना फोन अनलॉक हो चुका है मैं आपको एक बार डायरेक्ट फ़ोन की स्क्रीन से रिकॉर्ड करके दिखाऊंगा ठीक है तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो मेरी रिकॉर्डिंग चालू हो चुकी है फोन की अभी आपका स्क्रीन कुछ भी नहीं है ठीक है आपको इसमें आई वायरलेस मिररिंग में आई मिररिंग में, में आपको अपने आईफोन में कुछ भी चीज़ इंस्टॉल करने की कोई ज़रूरत नहीं है ठीक है तो आपको क्या करना है सबसे पहले ऊपर से नीचे स्लाइड कीजिएगा अपने नेविगेशन बार को और यहाँ पे जो रोटेशन ऑटो रोटेशन के स्क्रीन के बाजू में ठीक है एक मिररिंग का ऑप्शन है स्क्रीन मिररिंग का तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो आपका डाउवर्न और आपके सिस्टम का जो भी नाम है जैसे मेरा विगौर जी करके तो आपको आ जाएगा तो आपको उस पर क्लिक करना है एंड सिंपली कुछ ही सेकेंड्स में यहाँ पे आपका जो ऐप है वो मिरर हो जाएगा जैसे कि आप देख सकते हो स्क्रीन में मिरर हो चुका है ये बता रहा है कि फिलहाल कनेक्ट ब्लूटूथ मेरा ब्लूटूथ कनेक्ट नहीं है बता रहा है लेकिन मेरा ब्लूटूथ ऑन है और कनेक्ट करने की जरूरत भी नहीं है उतना तो कुछ फर्क नहीं पड़ता तो आप इसको क्लोज कीजिए और जैसा कि आप देख सकते हैं ये मिरर हो चुका है अपना फोन मैं आपको कैमरे में भी दिखा देता हूँ थोड़ा सा और साथ ही साथ साइडवाइज अपना मिरर वाला भी चलेगा तो आप देख सकते हो बिना एकदम किसी लैग के यहाँ पे चल रहा है आ एक काम करते हैं आप बीजेम दिख ही गया है तो बी जी एम आई खेल के देख लेते हैं है कि नहीं तो और ये साथ साथ जो अपना स्क्रीन है उसके साथ साथ ना ये अपने डिवाइस की ऑडियो को भी कैप्चर करता है तो उसका भी आपको दिक्कत नहीं है तो वो भी आप सीन नहीं रहेगा आपको अलग से ऐसा कुछ स्क्रीन करने के लिए वो वायर वायर के झंझट पालने की जरूरत नहीं है तो डायरेक्टली आप ऑडियो के साथ साथ उसको भी कैप्चर कर सकते हो और फिलहाल जो ऑडियो का साउंड है ठीक है जो अपना गेम साउंड रहेगा वो भी आपको इस हेडफोन में आपको मिलेगा मैंने यहाँ पे अपने पास जो है एक साउंड कार्ड यूज़ किया हुआ है वैसे इस चीज़ का अपना डावन से कोई रिलेशन नहीं है लेकिन फिर भी मैंने बता दिया कि मैं साउंड कार्ड यूज़ करता हूँ आप डायरेक्टली प्लग एंड प्ले भी कर सकते हो था एट पॉइंट फाइव एम जैक अगर आपके लैपटॉप में है तो ठीक है तो फिलहाल जैसे कि आप देख सकते हो ये जो मिरर है ये हो चुका है और यहाँ पे अगर आप वायरलेस मिररिंग करते हो ना तो आपको एकदम तो स्लाइट सा डिले देखने को मिलेगा एकदम स्लाइट सा डिले और अगर आप वायर्ड मिररिंग करते हो तो भाई वो तो बिल्कुल भी डिले नहीं करता है तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एक छोटा सा हल्का सा एकदम ऐसा स्लाइट सा, सा डिले है ठीक है और साउंड डिले की बात करें तो वो भी एकदम हल्का सा स्लाइट सा डिले आएगा अगर आप वायरलेस मिररिंग करोगे तो लेकिन और अगर आपसे आप इसमें वायर्ड uh, मिररिंग करके देखोगे तो ये डिले भी एकदम जीरो हो जाएगा मैं आपको वायर्ड मिररिंग भी करके दिखा देता हूँ जैसे कि आप देख सकते हैं फिलहाल मेरे फोन में कोई वायर अटैच नहीं है मैं ये गेम यहाँ से हटाता हूँ ठीक है और ये जो मिररिंग है यहाँ से लैपटॉप से इसको बंद करता हूँ ठीक है ये डाओन को भी बंद कर देता हूँ तो देखो अपन वापस से आ चुके हैं अपने डावन के मेन स्क्रीन पे अब अपने को इस बार जो है वो करना है आईओएस की वायर्ड मिररिंग ठीक है वायर्ड मिररिंग का भी सेम प्रोसेस है ठीक है वायर्ड मिररिंग का भी सेम प्रोसेस है मेरे पास यहाँ पे एक मेरे आईफोन के साथ जो आया था चार्जर वही वाला है तो यहाँ पे मैं इसको करूँगा टाइप सी टू लाइटनिंग है तो ये लाइटनिंग पोर्ट मैंने लाइटनिंग में लगाया ठीक है और मेरे लैपटॉप में टाइप सी पोर्ट है अगर आपके पास टाइप सी पोर्ट नहीं है तो आपका यू पोर्ट तो यू टू लाइटनिंग होना चाहिए मतलब ऐसा कोई भी केबल होना चाहिए जो कि आपको लैपटॉप से फ़ोन कनेक्ट करने में मदद करे ठीक है तो मेरे पास यूएस बी पोर्ट है टाइप सी पोर्ट है और मेरा लैपटॉप में भी टाइप सी का पोर्ट है तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं हुई इसलिए मैंने डायरेक्टली यहाँ पे प्लग एंड प्ले कर दिया है तो अब थोड़ी देर में यहाँ पे आपको एक ट्रस्ट डिवाइस का मैसेज आएगा ठीक है फिलहाल मेरे ये स्क्रीन में आईफोन के फोटोज वाला ओपन हो चुका है वो हटा देंगे अपन और यहाँ पे क्लिक करेंगे आई एस वायर्ड मिररिंग पे ठीक है तो ये जो भी नेसेसरी ड्राइवर्स है अपने आप इंस्टॉल कर देगा और उसके बाद आपके आईफोन में जो है आपका फोन है इसमें आपको एक पॉपअप आएगा कि ट्रस्ट डी डिवाइस करके तो आप अगर ओके okay, जैसा कि आप देख सकते हो मेरे फोन में ट्रस्ट डिस डिवाइस का पॉपअप आ चुका है तो मैं इसको ट्रस्ट करूंगा और पासवर्ड डाल के ट्रस्ट दे दूंगा उसके बाद अपन ओके okay गाइस जैसा कि आप देख सकते हो

ठीक है जैसे कि आप देख सकते हैं एकदम साउंड भी एकदम ऑन टाइम आ रहा है और जो वायर्ड में है इसमें डिले भी बिल्कुल नहीं है और अगर आप इसका पेड वर्जन लेते हैं ना तो उसमें एकदम ही मतलब ऐसा लगेगा ही नहीं आपको कि आप अलग अलग डिस्प्ले या कैप्चर कर रहे हैं या फिर स्क्रीन कास्ट कर रहे हैं वो इससे भी ज्यादा स्मूथ होता है वैसे ही ऑलरेडी नाइनटी नाइन परसेंट स्मूद ऐसा मान लो वो एक परसेंट स्मूदनेस भी आपको पेड वर्जन में मिल जाएगी और पेड वर्जन का भी मैं बताऊंगा आपको कैसे करना है लेकिन फिलहाल आप देख सकते हैं यहाँ पे जैसे कि बिल्कुल भी लैग नहीं है जैसे जैसे मैं यहाँ पे आ, स्क्रीन आ, ये कर रहा हूँ तुरंत या तुरंत आपको लैपटॉप में भी सेम चीज होते हुए दिख जाएगी हो जाए यार मेरा पैर वो अवतार घूमने लगा ये देखो एकदम लैग के काम कर रहा है तो ये तो हो गया आईफोन की बात अगर आप एंड्रॉयड यूजर है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा वो चीज़ भी मैं आपको बताता हूँ ठीक है तो फिलहाल के लिए मेरे को ये कैमरा बंद करना पड़ेगा क्योंकि इसमें मेरा रिकॉर्ड हो रहा है फेस कैम एंड्रॉयड डिवाइस में और तो शायद के लिए कैमरा बंद होगा या फिर अगर मैं देखता हूँ क्योंकि लैपटॉप के कैमरे की क्वालिटी उतनी खास है नहीं तो मैं बिना कैमरे के भी रिकॉर्ड करूंगा और आपको बताता हूँ कि आप एंड्रॉयड में सेम चीज कैसे अचीव कर सकते हैं और एक और इसकी फंक्शनैलिटी है वो है मल्टी डिवाइस फंक्शनैलिटी मतलब आप एक साथ मल्टीपल डिवाइस को भी कास्ट करा सकते हैं ठीक है फ्री वर्जन में आप मैक्स टू मैक्स दो डिवाइस एक साथ कास्ट कर सकते हैं ठीक है और अगर आप पेड वर्जन लेते हैं तो उसमें आप और भी ज्यादा दस बारह डिवाइसेज एक साथ कास्ट कर पाएंगे लेकिन फिलहाल के लिए मैं आपको दिखाता हूँ आप एंड्रॉइड में कैसे स्क्रीन मिरर कर सकते हैं डाउवन ऐप के थ्रू ठीक है तो चलो एंड्रॉइड पे चलते हैं अभी इसको बंद करते हैं तो चलो मैं आपको करके दिखाता हूँ इसको कैसे करना है तो वापस से सेम सबसे पहले अपन वायरलेस मिररिंग ट्राई करते हैं और अपन इसमें चलेंगे एंड्रॉयड वायरलेस मिररिंग पे ठीक है तो आपने को सबसे पहले क्या करना पड़ेगा एक तो मेन चीज़ है इसमें आपको अपने एंड्रॉयड डिवाइस में एक ऐप डाउनलोड करने पड़ेगा डाउनलोड इसी का ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा डाउवन का या तो आप गूगल कास्ट के थ्रू भी कर सकते हो मैं आपको इस वीडियो में डाउवन ऐप के थ्रू बताऊँगा ठीक है तो डाउवन ऐप पर डाउनलोड करेंगे तो उसके लिए आपने को करना पड़ेगा सबसे पहले ये क्यू स्कैन तो अपने मोबाइल से डायरेक्टली कैमरे से या फिर अगर आपके पास कोई भी स्कैनर हो उसकी मदद से आप लोग स्कैन कर सकते हैं तो सबसे पहले इसको करने का है स्कैन तो मैं गूगल लेंस खोल लेता हूँ नॉर्मल कैमरे से भी स्कैन हो जाता है लेकिन ये मैं फिर से कर लेता हूँ क्योंकि मैं आपको अपने मोबाइल स्क्रीन में भी दिखाना चाहूंगा कि क्या हो रहा है ठीक है तो ये हुआ अपन ने जैसी लिंक मिली उसको ओपन किया और यहाँ पे डाउनवर्न का जो ऐप है वो अपन डाउनलोड करते हैं जल्दी जल्दी से लिंक हटाते हैं यहाँ पे सबसे पहले जैसे कि आप देख पा रहे होंगे डाउव का जो अपना ऐप है वो डाउनलोड हो चुका है इसको आप ओपन करेंगे इसको परमिशन अपन अलाउ कर देंगे ठीक है परमिशन अलाउ करने के बाद अपन ने यहाँ पे चूज करने का है ऊपर पे सबसे टॉप लेफ्ट कॉर्नर में वायर्ड और वायरलेस तो अपन ने फिलहाल वायरलेस पे सिलेक्ट किया है फोन में भी और लैपटॉप में भी तो यहाँ पे अपने को जैसे ही अपन ने वायरलेस पे क्लिक किया तो अपने को वापस से वही चीज देखने को मिली जो अपन ने अपने, अपने आईफोन में देखा था डाउन विगोर जी करके मतलब आपके सिस्टम का नाम तो अपन इस पे क्लिक करेंगे और इसको परमिशन दे देंगे स्टार्ट नाउ करेंगे और ये जैसे कि आप देख सकते हो सक्सेसफुली मिरर हो चुका है ठीक है यहाँ पे देख सकते हो इसमें जो वायरलेस में है हल्का सा डिले आता ही है यार मेरे एंड्रॉइड फोन में गेम नहीं है बीजेम वरना मैं आपको बी जी एम भी करके दिखाता लेकिन फिलहाल आप जैसे कि आप देख सकते हो कैमरे में अगर मैं कैमरे को थोड़ा सा बड़ा करके दिखाऊ तो यहाँ पे इसमें हल्का सा भी डिले मतलब थोड़ा सा आपको डिले महसूस होगा जब गेम खेलोगे तो थोड़ा सा और महसूस हो सकता है बाकी नॉर्मल यूज में तो मुझे ऐसा कुछ खास डिले महसूस नहीं हो रहा है ठीक है तो ये अपना हो गया एंड्रॉयड के वायरलेस का अभी मैं आपको सेम चीज बताता हूँ एंड्रॉयड में आप आ, वायर्ड मिररिंग कैसे कर सकते हैं तो जैसे पहले इसको बंद करेंगे अपन यहाँ पे वापस से इसमें भी डावन ऐप खोल के इसको भी स्टॉप मिररिंग पे क्लिक करके कंफर्म कर देंगे ठीक है अभी ऊपर पे जाने का है, वायर्ड पे सिलेक्ट करने का ठीक है थीके? और यहाँ डेस्कटॉप में भी अपन डा के एंड्रॉयड वायर्ड मिररिंग पे क्लिक करेंगे ठीक है प्लीज़ सिलेक्ट योर एंड्रॉयड वर्ज़न तो अगर आपको नहीं पता कि आपका एंड्रॉइड वर्ज़न क्या है तो आपने को ये भी चीज़ बता देता हूँ सेटिंग में जाने का अब आउटफोन में जाने का ठीक है और यहाँ पे एंड्रॉयड वर्ज़न मेरा है जैसे कि आप देख पा रहे होंगे इलेवन आर पी वन ए तो यहाँ पे उस हिसाब से आप सिलेक्ट कर लीजिए मेरा है नाइन प्लस मतलब ठीक है ये वाला सिलेक्ट करेंगे अब देखो अपन डाउनलोड तो कर चुका है तो ये अपने को वापस से इस स्टेप की जरूरत नहीं है अपने को सिंपल क्या करने का है एक मेरा जैसे जो भी आपका चार्जर लगता है ये मेरा यू एस बी है और टाइप सी है तो मैं टाइप सी को अपने लगाऊंगा फ़ोन में ठीक है और यू एस बी मेरे यू एस बी बढ़ चुके हैं तो फिलहाल के लिए मैं अपना कीबोर्ड को डिसकनेक्ट कर रहा हूँ मेरा जो कीबोर्ड है इसको निकाल के मैं यहाँ पर ये करूँगा ठीक है तो ये अपन ने कनेक्ट कर दिए। और इसके लिए एक और चीज़ ज़रूरी है पहले तो जब तक कि अपने आप ड्राइवर इंस्टॉल करेगा इंस्टॉल होते तक मैं एक और चीज़ ब... ओके दोस्तों तो यहाँ पे मैं वापस से आ चुका हूँ अपने सिस्टम को रिस्टार्ट करके जब आपके ड्राइवर एंड्रॉइड के अपडेट होंगे तो आपको एक बार सिस्टम रिस्टार्ट करना पड़ेगा तो फिर बलाल अपन मच्छर के पच्छर तो फिलहाल अपन वापस से रिस्टार्ट करते हैं तो अपने को करना था वायर्ड मिररिंग अपन ने सारे ऐप डाउनलोड कर लिए यूएस बी ऑन कर चुके हैं एंड्रॉयड फ़ोन की ठीक है तो अगर आपको यूएस बी नहीं आती तो यूट्यूब पे बहुत सारे ट्यूटोरियल है एंड्रॉइड या फिर अपने डिवाइस का नाम मॉडल डाल के डाल देना हाउ टू अनेबल्ड यू एस ठीक है तो अपन करेंगे एंड्रॉयड वायर्ड मिररिंग मैंने आपको पहले ही बताया मेरे डिवाइस का एंड्रॉयड वर्जन नाइन इलेवन है तो मैं नाइन प्लस पे क्लिक करूंगा ठीक है और वापस से मैं एक बार रीप्लग इसको करूंगा अपने एंड्रॉयड डिवाइस को जिससे कि यहाँ पे अपने आप मेरे को ऑप्शन आ, आ जाएगा थोड़ी देर में अपने आप जो है स्क्रीन है वो मिरर हो जाएगी ओके तो जैसे कि आप देख सकते हो तो मैंने रीप्लग किया और यहाँ पे मेरे को ऑप्शन आ गया है स्टार्ट रिकॉर्डिंग और कास्टिंग विद डाउ का तो मैं इसको स्टार्ट नाउ करूंगा और ये अपने आप स्टार्ट हो जाएगा कुछ ही देर में जी हाँ दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे होंगे मेरे स्क्रीन पे द वन जो है स्टार्ट हो चुका है और ये वाली आ, मतलब देखो अगर आप एंड्रॉइड में करो या फिर आई में करो अगर आप वायर्ड मिररिंग करते हो तो वो लिटरली बहुत ज़्यादा स्मूद होगी एकदम मतलब बहुत ही ज़्यादा स्मूथ होगी ठीक है जैसे कि आप देख पा रहे होंगे फ्लिपकार्ट में आपको एक बार ओपन करके दिखाता हूँ एकदम ऑन टाइम रिस्पॉन्स है कोई डिले नहीं है कुछ डिले नहीं है ठीक है अगर इसमें भी सेम चीज है साउंड आपको ऑटोमेटिकली कैप्चर करके दे देता है तो आपको अलग से साउंड कैप्चर करने के लिए कोई झंझट पालने की जरूरत नहीं है तो दो मैंने आपको चारों टाइप की मिररिंग करके दिखा दी है फिलहाल के लिए आप आपको कैसा लगा ये ऐप बताना कमेंट में अब जो मेन चीज है एकदम मेन चीज जो कि मैंने कहा था अभी मैं फिलहाल के लिए वापस से नॉर्मल वाला अपना कैमरा चालू करूँगा ठीक है ओके दोस्तों तो यहाँ पे अपन ने सारे आपको तरीके बता दिया है कि कैसे आप अपने मोबाइल स्क्रीन को कास्ट कर सकते हैं चाहे वो एंड्रॉयड हो चाहे आईओएस हो अपने लैपटॉप या पीसी सी में आप इसको एंड्रॉयड टीवी में भी कास्ट कर सकते हो ठीक है आपको बस अपने एंड्रॉड टीवी के लिए ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा जैसे कि आप अपने लैपटॉप में किया वैसे आप एंड्रॉड टीवी में डाल के सेम तरीका है ठीक है वो चीज़ करके कर सकते हो और इसको अब मैं बताऊँगा आपको मेन चीज जो मेन चीज़ है कि आप लेजिट जेन्यून एकदम तरीके से आप इसको कैसे फ्री में यूज़ कर सकते हो तो आपको करना कुछ नहीं है आपको जाना है डाउन अपना जी मेल खोलना है आपको आप जी एक प्रमोशन मेल लिखना अगर आपको पता नहीं प्रमोशन मेल कैसे लिखते हैं तो आप चैट जी कर सकते हो तो आपको प्रमोशन मेल का फॉर्मेट दे देगा और आपको सब्जेक्ट में अभी बता देता हूँ क्या करने का है या तो अगर आप चाहते हो कि मैं उसको आप दे दूं तो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा आप मेरे को कमेंट में लिख के बता देना कि आप लोगों को प्रमोशन मेल चाहिए तो मैं आपको प्रमोशन मेल डिस्क्रिप्शन में या फिर कमेंट में पिन करके दे दूंगा ठीक है तो आपको एक प्रमोशन मेल लिखना है डाउन के ऑफिशियल ईमेल पे ठीक है आपको एक प्रमोशन मेल सेंड करना है डाउन के ऑफिशियल ई मेल तो वो ऑफिशियल मेल जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा और आप उसका फॉर्मेट आपको अगर चाहिए तो मैं अलग से प्रोवाइड कर दूँगा कमेंट में बता देना और अगर नहीं तो आप चैट जी से कर सकते हो तो आपको उसको उनको मेल करना है कि मेरा ये फ़लाना फ़लाना यूट्यूब चैनल है इतने सब्सक्राइबर इतने ये है मैं आपका ऐप को प्रमोट करना चाहता हूँ ठीक है और तो आप मैं उसके बदले मुझे एक प्रो वर्जन प्रोवाइड कीजिए ऐसा करके आपको प्रमोशन मेल लिखना है और आपको भेज देना है अगर आप और आपको अपने चैनल का लिंक भी भेजना पड़ेगा ऑब्वियसली तो वो आपका चैनल रिव्यू करेंगे अगर आपके अच्छे खासे सब्सक्राइबर हज़ार पाँच सौ के ऊपर सब्सक्राइबर है और आप चैनल पर एक्टिव है तो वो आपको एक प्रो uh, वर्जन जो है प्रोवाइड कर देंगे ईमेल एड्रेस और पासवर्ड छः महीने या एक साल के लिए जो वैलिड रहता है तो आप वो यूज़ कर सकते हैं ठीक है उसके बाद अगर आप लोग को है तो आपको वापस से वही मेल सेम खत्म हो गया तो वैसे चला के देखो वो मिल जाता है ठीक है तो आपको मेल भेजना और यही था वो लेजेड तरीका क्योंकि क्रैक व्रैक भाई ऑब्वियसली बात है मालवेयर वालवेयर रहता है बहुत प्राइवेसी इशू आ जाते हैं आपके आई डी वाई डी हैक होने के चांसेस रहते हैं तो मैं वो भी यूज़ नहीं करता क्योंकि भाई एडॉप मैं मैं इनफैक्ट अपने वीडियो एडिटिंग के लिए भी पहले मैं यूज़ करता था फिल्मोरा का एक क्रैक था ज़्यादा बोल नहीं उसके बारे में वरना गाइडलाइंस यूट्यूब की ठीक है तो उसका यूज़ करता था मैं एक्स वाई जेड वाला ठीक है तो लेकिन अब मैंने सारे डिलीट कर दिया क्योंकि मेरा ई मेल पासवर्ड ट्रैक हो जाते थे भाई उससे और वो कोई और ही बंदा क्रिप्टो उपटो के वीडियो डालने लगा था मेरे चैनल पर तो इसीलिए मैंने वो सब क्रैक वाले वर्जन यूज़ करना बंद कर दिया और मैं फिलहाल यूज़ कर रहा हूँ विंडोज़ का ही आ, ये क्या नाम है इसका क्लिप चैम माइक्रोसॉफ्ट क्लिप चैम में यूज़ कर रहा हूँ वीडियो एडिटिंग के लिए तो फ़िलहाल के लिए उस पर अलग से बात करेंगे ये वीडियो में उसका कोई रिलेवेंस नहीं है तो यही था आज के वीडियो में अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो जल्दी जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल निकले मिलते हैं आपको अगली वीडियो में तब तक के लिए जय श्री